हरि ओम ओम श्री सद्गुरु एकताभ्याम नमः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः कुलदेवी देवताभ्याम नमः। आइए दोस्तों, चंद्र ग्रहण के काल में कुछ उपयोगी बातें बता दी जाए, इस विचार से आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तीन बीजाक्षर है, एम ह्रीम और क्लीम। कौन कौन से हैं? एम ह्रीम और क्लीम, ये तीन बीजाक्षर हैं। इन तीनों बीजाक्षरों को मिलाकर एक मंत्र बनता है, ओम एम ह्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र को कल चंद्र ग्रहण काल में आपको जाप करना है, जपना है। इससे हर प्रकार की सफलता आपके जीवन में मिलेगी, ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। इसमें आपको करना यह है कि एक तिल के तेल का दीपक जलाना है, सुगंधित अगरबत्तियां धूप वगैरह लगाकर मां दुर्गा देवी के सामने और रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से आपको यह मंत्र जाप करना है। जितना अधिक से अधिक जाप हो सके उतना ग्रहण काल में कीजिएगा। ग्रहण की समाप्ति पर कुछ हवन भी आपको करना है, माता जी से प्रार्थना करना है। मानसिक रूप से आप गणेश गौरी का स्मरण करें, मानसिक रूप से उनका पूजन करें और मानसिक रूप से मां त्रिगुणात्मक शक्ति महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली की पूजन भी मानसिक करना है। फिर आप अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे मां मैंने आज इस कार्य के लिए यह जाप कर रहा हूं, इसमें आप सफलता प्रदान करें। अपने गुरु अपने इष्ट अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करते हुए और ये जाप आप शुरू करें। तीन घंटे से कुछ अधिक का ग्रहण काल है, इसमें आपकी जितनी अधिक से अधिक माला हो जाए, कोई निश्चित नहीं है कि कितनी करना है, जितनी हो सके। और ग्रहण समाप्ति पर स्नान ध्यान करके अपने कुल देवी देवताओं का गुरु महाराज का स्मरण करते हुए अपने भगवान के कक्ष में मंदिर में आप थोड़ा सा हवन करें और हो सके संभव तो मंदिर में कहीं पर ब्राह्मणों को गरीबों को कुछ दान दक्षिणा भी दें, आपके लिए यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सरलतम विधि है जो आपने शायद नहीं सुनी हो या किसी ने आपको नहीं बताई हो, आप इसका लाभ अवश्य लें, यह मेरा आपसे निवेदन है। जय माता दी, जय माता महाकाली।